स्टूडेंट्स, टुडे वील स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10 बाय शोइंग एक्चुअल डिफरेंस। सो हमने एक्सरसाइज नंबर 5.2 में क्या किया था, हमने एक्चुअल सम दिखाया था, तो उसी तरीके से एक्चुअल डिफरेंस दिखाना है। डिफरेंस मतलब माइनस, तो जैसे हमने पहले प्लस किया था, सेम ही मेथड से हमको माइनस करना है। सो एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 10, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस में हमको नियरेस्ट 10 में करना है। तो सबसे पहले तो एक्चुअल डिफरेंस में तो जो होता है वही कर देते हैं। सो अब इन्हें हम नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअल डिफरेंस तो मतलब जो माइनस करते हैं वैसे ही, 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो ये 7 को हम 6 लेंगे और ये 12 बन जाएगा। तो 12 में से 8 4, 6 में से 2 4, ठीक है। देन हमें राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 करना है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10, उसके बाद एस्टिमेटेड डिफरेंस हमारा निकालेंगे। तो 72 का एस्टिमेटेड क्या होगा, 72 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? नियरेस्ट 10 के लिए हमें पता है कि वंस डिजिट देखते हैं, वंस डिजिट पे क्या है, इधर 2 है 5 से छोटा, तो कोई चेंज आगे वाले पे नहीं आएगा और पीछे 0 लग गया। अब 2 है 28 में, वंस है 8, तो 8 मतलब 5 से बड़ा, तो आगे वाले में 1 प्लस हो जाएगा, पीछे लगा 0। अब इधर याद रखे माइनस करना है हमें, ये तो आ गया 0, 7 में से 3 गए 4, तो जो 44 था एक्चुअल डिफरेंस, एस्टिमेटेड डिफरेंस में हो के आया है 40। नाउ कम टू पार्ट बी, 627 प्लस सॉरी माइनस 199। सो एक्चुअल डिफरेंस निकालेंगे सबसे पहले, तो 627 माइनस 199 माइनस करके क्या आएगा, इधर आएगा 428। सो आप इसको माइनस करके देखना, 428 यहाँ पे आएगा। एस्टिमेटेड डिफरेंस निकालने के लिए पहले नियरेस्ट 10 में करेंगे। 10 के लिए वंस पे 7 है, तो मतलब 5 से बड़ा है, आगे वाले प्लेस पे 1 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 2 का 3 हो गया और पीछे वाला हो गया 0। 199 वंस प्लेस पे है 9, तो आगे वाले प्लेस पे 1 इसे इंक्रीज होगा, तो 9 का क्या बन जाएगा, 10, तो ये 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा इस 1 पे, तो ये 1 का हो गया 2, ये वाला 9 भी 0 और ये भी 0, तो ये 199 का 200 बन गया। माइनस करेंगे, 3 में से 0 गए 3, 6 में से 2 गए 4, तो जो 428 था वो हमारा आ गया 430। टू पार्ट सी, 856 माइनस 455 एक्चुअल डिफरेंस, 856 माइनस 455, तो 6 में से 5 गए 1, 5 में से 5 0, 8 में से 4 401 हमारा आ गया एक्चुअल डिफरेंस, ठीक है। नाउ वी विल राउंड इट ऑफ टू नियरेस्ट 10, तो यहाँ है 6, 6 मतलब 5 से बड़ा, 5 से बड़ा तो आगे वाली प्लेस पे प्लस 1, तो 856 से क्या बन गया, 860। 455 5 है तो भी आगे प्लस 1 हो जाएगा, 460 करना है माइनस, तो ये 004, तो जो डिफरेंस 401 आ रहा था एक्चुअल में, एस्टिमेटेड डिफरेंस है 400। पार्ट डी, 6372 माइनस 3245, सो एक्चुअल डिफरेंस निकालते हैं पहले, 6372 माइनस 3245,
ट्वेल्व में से फाइव गए सेवन, ये कैरी लेंगे तो वो ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व में से फाइव सेवन, सिक्स में से फोर टू, थ्री में से टू वन, सिक्स में से थ्री थ्री। अब करेंगे नियरेस्ट टेन, तो यहाँ टू है तो मतलब आगे चेंज नहीं आएगा, सिक्स थ्री सेवन ज़ीरो, थ्री टू फोर फाइव, फाइव है तो आगे प्लस वन, थ्री टू फाइव ज़ीरो, ये आया ज़ीरो, सेवन में से फाइव गए टू, थ्री में से टू वन, सिक्स में से थ्री थ्री, थ्री वन टू ज़ीरो, तो जो एक्चुअल डिफरेंस था थ्री वन टू सेवन वो हो गया थ्री वन टू ज़ीरो।